Hey guys, this is Tej. Welcome back to my channel and to a new video. जिसमें हम बात करने वाले हैं about the different kind of sunscreens from minimalist और ये कि minimalist की कौन सी sunscreen किस skin type के लिए है. Because I know एक major confusion है बाहर कि minimalist की कौन सी sunscreen किस skin type के लिए अच्छी है. इनके पास 4-5 major sunscreens हैं और इस video में आज चाहिए कि भाई कौन सी sunscreen कौन से skin type के लिए, ताकि आप अपने हिसाब से जो आपकी स्किन टाइप है आप उसके अकॉर्डिंगली मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन ले पाओ और या ले सको. इफ यू वांट टू बाय अ सनस्क्रीन फ्रॉम मिनिमलिस्ट, व्हिच इज अ ग्रेट ब्रांड हाउसोएवर. सो इस वीडियो में हम बेसिकली तीन स्किन टाइप्स की बात करेंगे. एक हो गया नॉर्मल स्किन टाइप, एक हो गई ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप और तीसरी है ड्राई स्किन टाइप. सो हर एक स्किन टाइप के लिए आई विल टेल यू कि कौन सी सनस्क्रीन है मिनिमलिस्ट की जो इन स्किन टाइप्स के लिए बनी गई है, इनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कितने अच्छे हैं, कितने बेनिफिशियल हैं, और आपको ये सनस्क्रीन किस तरह से यूज करनी चाहिए बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप. पहला आता है नॉर्मल स्किन टाइप. अब नॉर्मल स्किन टाइप इज समथिंग जो कि ना ही बहुत ड्राई है ना ही बहुत ऑयली है. एज द वर्ड सेज ही होते हैं नॉर्मल स्किन टाइप. सो नॉर्मल स्किन टाइप के काफी बेनिफिट होते हैं कि आप काफी सारे स्किन के प्रोडक्ट्स बिना किसी दिक्कत के या परेशानी के लगा सकते हो. एंड मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन है जो आप लगा सकते हो एज अ नॉर्मल स्किन टाइप पर्सन, वो है SPF 50 सनस्क्रीन फ्रॉम मिनिमलिस्ट, जिसमें है नायसनामाइड, विटामिन B5 और विटामिन F. सो नायसनामाइड बेसिकली हर स्किन टाइप के लिए काफी अच्छा है. वो जो एक्सेसिव सीमन प्रोडक्शन है वो कंट्रोल करता है और कहीं कहीं स्किन में एक्ने वैक्ने होने से रोक देता है. विटामिन B5 और विटामिन F कलेक्टिवली कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट करते हैं. स्किन ओवर टाइम काफी ज्यादा बची रहती है धूप से या पोल्यूटेंट से और अंदर से रिजुवेनेट भी हो जाती है. अभी है SPF 50 ग्रेट मार्क है, ग्रेट सन प्रोटेक्शन. तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी क्या ये सनस्क्रीन आपको सन टैन से बचाएगी या नहीं. अभी ये सनस्क्रीन मैंने कुछ समय पहले पर्सनली यूज की थी, आई कैन बेट कि द सनस्क्रीन इज ग्रेट फॉर अ नॉर्मल स्किन टाइप पीपल. कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी आपको रिएक्शन नहीं होगा. नॉन कॉम्बिटोजेनिक है तो एक्ने रखने नहीं होगी. फ्रेग्रेंस फ्री है, सो इफ यू आर समवन जिसको दिक्कत है फ्रेग्रेंस से वो भी इसे काफी हद तक सही ही रहेंगे और बचे ही रहेंगे. सो इफ यू हैव नॉर्मल स्किन टाइप आपको उसको कैसे यूज करना है, बेसिकली अपने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन यूज करनी है एंड यू आर गुड टू गो. एंड द बेस्ट टिप, अपनी सनस्क्रीन को हमेशा हर 2 घंटे में ही अप्लाई करो. इफ इन केस आप वो हो जिसको धूप में बहुत लंबे समय के लिए लगातार जाना पड़ रहा है, खड़े होना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन टाइप के बारे में. अब ऑयली स्किन टाइप के लिए वो सनस्क्रीन सही रहती है जो कि उनकी स्किन को ऑयली या ग्रीसी ना कर दे, काफी लाइट वेट हो और उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो कि स्किन के ऑयल प्रोडक्शन या सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल. सनस्क्रीन मैं रेकमेंड करूंगा मिनिमलिस्ट से जो बेस्ट ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए, वो है ये सनस्क्रीन स्टिक. ये है बेसिकली SPF 50 प्लस और ये किसी भी जेल, लोशन या क्रीम फॉर्मुला में नहीं है, ये एक सनस्क्रीन स्टिक के फॉर्मुला में. सो इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये सनस्क्रीन है लाइट वेट और ये स्किन पे किसी भी तरह का ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस नहीं छोड़ती, इवन व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ती. सो दैट्स अ प्लस पॉइंट बिकॉज ऑयली स्किन वालों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक ऐसी सनस्क्रीन लेके आए जो कि उनकी स्किन को दिखने में ऑयली ग्रीसी ना करे, एज वी डिस्कस अर्लियर, और ये सनस्क्रीन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है. ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें है एडिनोसाइन. एडिनोसाइन एक बेसिकली ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है एंड ऑल्सो इट एनर्जाइजेज योर स्किन सर्फेस. आपकी स्किन की जो सर्फेस है वो दिखने में काफी ब्राइट लगती है. एंड मोर ओवर SPF 50 प्लस से मेरा मतलब इसमें है SPF 56 पॉइंट समथिंग, सो इट्स अ ह्यूज पॉइंट नंबर और सन प्रोटेक्शन है इसकी अमेजिंग. इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सन प्रोटेक्शन. हाइड्रेटिंग भी है इनफ, तो इतनी तो है कि भाई आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी बट आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी. तो इवन अगर आप कोई मॉइस्चराइजर नहीं यूज कर रहे हो यू वुड बी गुड टू गो. सो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, यही सनस्क्रीन है द बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. अगर आपकी स्किन टाइप है ऑयली एंड कॉम्बिनेशन, गो फॉर इट. इट्स अ रियली कूल कंसेप्ट, लगाने में काफी ईजी है, एप्लीकेशन काफी ईजी है, और प्रोटेक्शन की बात करूं, प्रॉपर्टीज की बात करूं, सो दे आर लाइक टॉप नॉट. अब बात करते हैं द बेस्ट सनस्क्रीन फ्रॉम मिनिमलिस्ट फॉर ड्राई स्किन पीपल और ये है SPF 60 सनस्क्रीन फ्रॉम मिनिमलिस्ट, जिसमें की है सिलीमरीन, हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन. सिलीमरीन एक काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जस्ट विटामिन सी के तरह. सो ड्राई स्किन क्या होती है, काफी डल या काफी मोनोटोनस, कभी कभार सिलीमरीन एंजॉयस कि आपकी स्किन ब्राइटन अप रही और स्किन में ग्लो इंपार्टेड रहे. हाइलुरोनिक एसिड अगेन ग्रेट मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर लेवल रखता है लॉक, आपकी स्किन मॉइस्चर को लूज भी नहीं करती. सो इट्स अ बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर ड्राई स्किन पीपल एज वेल. और इसमें है विटामिन ई, अगेन अ ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर कोलेजन प्रोडक्शन. जितना कोलेजन प्रोडक्शन होगा स्किन उतनी सॉफ्ट, सफल और नई और अच्छी दिखेगी. सो गाइस दिस वाज इट, ये है वो तीन सनस्क्रीन मिनिमलिस्ट की फॉर द 3 स्किन टाइप्स. अब मैं बता दूं कि ये सारी स्किन टाइप्स उनके सब स्किन टाइप, मान लो कि आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल एंड सेंसिटिव स्किन है, डोंट वरी, ये है नॉन कॉम्बिटोजेनिक प्रोडक्ट्स एंड फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स. इनमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि सेंसिटिव स्किन को इरिटेट करे. सो ऑल एंड ओवर अ गुड बंच ऑफ कलेक्शन ऑफ सनस्क्रीन फॉर एवरी स्किन टाइप. लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनीथिंग देन गो चेक इट आउट. ऑल्सो नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, आई हैवंट बीन पेड एनीथिंग फॉर दिस.
इट्स जस्ट माय पर्सनल रिकमेंडेशन बिकॉज़ आई थॉट काफी लोग होते हैं कंफ्यूज कि भाई मिनिमलिस्टिक कौन सी सनस्क्रीन किस स्किन टाइप के लिए बनी है और कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं. एंड मैं होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए. एंड इफ सो देन डोंट फॉरगेट टू hit the like button, subscribe to my channel and share this video if you really like this video. So see you next time, and until then, stay fit, stay healthy, and thank you so much for watching.